ये है कोटद्वार की वो रिवर जो ऊपर से दिखती है, और हम लोग यहाँ पर मस्ती कर रहे हैं, और मैं अब आपको दिखाता हूँ कि आखिर इस तक पहुँचा कैसे जाता है। वैसे तो इसका पहुँचने कोई ऑफिशियल रास्ता नहीं है, बट फिर भी लोग यहाँ तक पहुँचते हैं और एंजॉय करते हैं, नहाते भी हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सिद्धबली मंदिर के सामने पार्किंग है, और इस तरफ आपको दिख रही है सिद्धबली धर्मशाला। तो जैसे ही आप धर्मशाला तक पहुंचते हैं पार्किंग से हट के, तो वहीं पर हमें एक बोर्ड लगा हुआ दिखता है, जैसे कि आपको सामने दिख रहा होगा, नदी का रास्ता। और ये रास्ता ऐसा नहीं है कि यहाँ पर सीढ़ियाँ वगैरह होंगी या अच्छे से रास्ता बना हुआ होगा, ये सिर्फ पहाड़ी के जो किनारे किनारे हैं उनके सहारे ही आपको चलना पड़ेगा। और आपके लिए जब अगर आप बिल्कुल कन्फर्म है जाना है आपको, तभी जाइएगा, वरना थोड़ा बहुत आप गिर वगैरह भी सकते हैं, क्योंकि रास्ते आसान नहीं हैं। अभी तक हम यहाँ पर बेस पर पहुँचने वाले हैं, और नदी के करीब हम पहुँच चुके हैं। इसके आगे जो हमारा रास्ता है वो थोड़ा सा अब खतरनाक सा होने वाला है। जी हाँ, यहाँ पर ज़्यादा लोग रहते नहीं हैं, ज़्यादा लोग घूमते नहीं हैं, ज़्यादा लोग यहाँ पर नहाते नहीं हैं, बहुत ही कम लोग हैं, यानी कि यंग पीपल हैं, जो नई उम्र के लड़के हैं और कपल्स हैं, तो कभी कभी पहुंच जाते हैं और घूमते हैं, एंजॉय करते हैं। तो अभी हम यहां पर फाइनली पहुंचने वाले हैं, और ये हमारा यहां तक का जो सिंपल रास्ता था वो ख़त्म होता है। इसके आगे हमारे साथ टेढ़े मेढ़े रास्ता शुरू हो जाता है, यहां से आपको अब ये क्रॉस करना है और आपका पैर फिसल जाता है तो आप नीचे भी गिर सकते हैं। जी हाँ, नीचे जो है नदी का तट है, और यहाँ पर कोई भी तरीके की सीढ़ी वगैरह बिल्कुल नहीं है, अगर आप गिरे तो आप नीचे पहुँच जाएंगे। तो आपको इसी को आराम से पार करना है। तो हम इस एडवेंचरस रास्ते को पार करके आ चुके हैं फाइनल। देखो आप, बहुत ज़्यादा फिसलन है, आराम से आना खराब आना चाहते हूँ। वैसे तो यहाँ पर कोई भी सुविधा नहीं है नीचे आने के लिए, क्योंकि ऑफिशियली यहाँ पर नहाना मना है वैसे, लेकिन अगर आप चाहते हैं, आपकी इच्छा है, आप अपने रिस्क पर आ सकते हैं यहाँ पर नहाने के लिए। बहुत लोग आते हैं, नहाते हैं, और मैं भी यहाँ पर पहले जब आया हूँ तो मैंने यहाँ पर एंजॉय किया है, मैंने नहाया भी हूँ, बट दिस टाइम मैं नहाऊँगा नहीं, क्योंकि मैं सिर्फ देखने आया था रास्ता, क्योंकि इस टाइम मेरी हालत बहुत ख़राब है, मुझे जुकाम हो रहा है, और आप देख सकते नीचे नदी आ चुकी है। मैं आपको दिखाता हूँ कुछ ब्यूटीफुल से सीन। अभी मैं यहाँ से सामने से आया हूँ, वहाँ देखो ऊपर की तरफ, वहाँ से हम नीचे नीचे आए हैं, और अभी हमें थोड़ा और आगे जाना है, देखते हैं कि आगे हम कहाँ तक पहुँच पाते हैं और कहाँ तक हमारी जो लिमिट है वो ख़त्म हो जाती है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। ये टेंपल का बेस है, हम टेंपल के बेस की तरफ आ चुके हैं। यहाँ पर इन्होंने पक्का कर रखा है, सीमेंटेड है, ताकि जो टेंपल है उसको नुकसान ना पहुँचे, उस पहाड़ी पर कोई भी नुकसान ना पहुँचे, इस वजह से इसको परमानेंटली पक्का कर रखा है। और यहाँ पर भी घाट की व्यवस्था अवेलेबल है हालांकि, और अभी हम नदी में जा रहे हैं घाट के थ्रू। आप देख सकते हैं घाट वगैरह भरे हुए हैं यहाँ पर, लेकिन रास्ता जो था वो बहुत ही हिला मिला था, तो अगर आप आना चाहते हैं तो आ सकते हैं, डेस्टिनेशन अच्छा है, बट रास्ता जो है वो थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा है। और यहाँ से कुछ ऐसा दिखता है सिद्धबली टेम्पल का दृश्य। तो गाइस, फाइनली ये था हमारा आज का ब्लॉग। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा, वीडियो अगर अच्छी लगी है, ब्लॉग पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ऐसी वीडियोस पाने के लिए। हम अपने चैनल पर ऐसी वीडियोस लेकर के आते रहते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।